हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। आज की क्लास में हम जो बात कर रहे हैं वो है आर्टिकल राइटिंग के बारे में। आर्टिकल राइटिंग और स्पीच राइटिंग दोनों में से, जैसा आप जानते हैं, आरबीएससी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको एक टॉपिक करना होता है। आप आर्टिकल भी चूज कर सकते हैं एग्ज़ाम में और स्पीच भी कर सकते हैं, दोनों में से आप एक टॉपिक करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि दोनों टॉपिक में डिफरेंस क्या है, दोनों को लिखने का जो फॉर्मेट है वो कैसा है। तो आज हम आर्टिकल का एक एग्जांपल यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, आर्टिकल जो टॉपिक है उसको हिंदी में लेख कहा जाता है, और आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आप किसी भी टॉपिक पर, करंट इशू पर, प्रॉब्लमेटिक टॉपिक पर अपने विचार, अपने आइडियाज़ को आप रखते हैं। आर्टिकल लिखने से पहले हम ये भी शो करते हैं कि इसके राइटर कौन है, आर्टिकल लिखा किसने है। तो ये सब बातें हम फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। आर्टिकल की, जैसा आप जानते हैं, मार्किंग जो होती है वो 7 मार्क्स का, यानी आरबीएससी के पैटर्न में ये जो टॉपिक है वो 7 मार्क्स के एग्ज़ाम में आता है, और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 100 वर्ड्स है, यानी आपको 100 वर्ड्स में आंसर देना होता है। तो प्रैक्टिकल आज की क्लास में हम कर रहे हैं, एक क्वेश्चन जैसा आप देख पा रहे हैं कि उस क्वेश्चन के बेस पर हम आर्टिकल लिखेंगे। तो वर्बल और विजुअल दोनों इनपुट पर आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ जो मैंने रखा है वो एक वर्बल इनपुट पे रखा है। राइट एन आर्टिकल, जैसा आप देख रहे हैं कि एक आर्टिकल लिखिए इन 100 वर्ड्स में ऑन चाइल्ड लेबर इन इंडिया। एक सिंपल सा टॉपिक मैंने लिया है, चाइल्ड लेबर इन इंडिया। ये कॉमन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ भी है। तो इस टॉपिक पर अगर आपको कोई बोल दे कि स्पीच की जगह आपको आर्टिकल लिखना है, तो आप अपने आइडियाज़ कैसे लिखेंगे। इस टॉपिक को लेने के पीछे जो एक रीज़न है वो ये भी है कि क्लास 12th स्टैंडर्ड पर एक चैप्टर है जो चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम्स को शो करता है, कि चाइल्ड लेबर किस तरह से इंडिया में अभी भी देखा जा सकता है या किस तरह से उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंडिया फेस कर रहा है। तो इस टॉपिक को आप जैसा समझ रहे हैं कि चाइल्ड लेबर पे आपको आर्टिकल लिखना है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आंसर नंबर लगाएंगे, आंसर नंबर के बाद में आप टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। आर्टिकल लिख रहे हैं तो आर्टिकल, और जैसा मैंने बताया स्पीच कर रहे हैं तो यहाँ स्पीच हो जाएगा। तो ये हम इसलिए लिख देते हैं ताकि चेक करने वाले को थोड़ा सा कंफर्म रहे कि इसने आर्टिकल किया है या स्पीच किया है। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले आप टाइटल डालें। टाइटल, जैसा मैंने बताया, कि एक ऐसा इम्पोर्टेंट कैची टाइटल होना चाहिए जो चेक करने वाले को इम्प्रेस कर सके, क्लियरली समझ में आ सके कि हाँ, ये टॉपिक है जिस पर उसने स्पीच या आर्टिकल लिखा है। तो आर्टिकल में भी हम टाइटल जो लिखेंगे, या तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसे कैपिटल लेटर में लिख दें, या स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं तो भी वो थोड़ा डार्क, बोल्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले टाइटल लिखेंगे। टाइटल जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, चाइल्ड लेबर इन इंडिया, तो जैसा भी दिया हुआ है उसको आप कैपिटल लेटर में लिख दें। उसके बाद राइटर का नाम, सपोज क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप बाई ABC या बाई XYZ, बाई सुमित वर्मा कुछ भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर किसी पर्सन का नाम लिख दिया सुमित वर्मा, आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसा रिपोर्ट में हमने पढ़ा था, रिपोर्टर का नाम लिख रहे थे यहाँ पर, अब यहाँ पर हम राइटर का नाम लिख रहे हैं। तो राइट साइड में, यानी फर्स्ट लाइन में तो आपका ये टाइटल आ जाएगा, सेकंड लाइन में आप राइट साइड में लास्ट में कॉर्नर में जाके यहाँ पर राइटर का नाम लिख देंगे। उसके बाद अपना जो आइडियाज़ हैं, अपने जो विचार हैं उस टॉपिक पर, वो आप लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जैसा हमने स्पीच में पढ़ा था कि स्पीच में तो हम इंट्रोडक्शन देते हैं, डिटेल्स देते हैं, और जो लोग होते हैं उनको एड्रेस करते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, सिंपली टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, टॉपिक के बारे में लिखेंगे। तो आर्टिकल वैसे भी एक राइटिंग का टॉपिक होता है जो न्यूज़पेपर में, मैगजीन में इनमें छापा जाता है, तो उस हिसाब से हम सिंपली इसको लिखना स्टार्ट कर देंगे। सिंपल से सिंपल तरीके से समझें तो जिस तरह से 9th और 10th क्लास में अपने पैराग्राफ्स लिखे हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, तो टाइटल डालकर हम सीधा लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक उसी वे में आपको यहाँ पर क्या करना है, टाइटल डालना है और लिखना स्टार्ट करना है, बस राइटर का नाम और आप लिखेंगे। तो जैसे चाइल्ड लेबर क्या है, तो इसकी कुछ डिटेल्स मैंने सिंपली लिखी है जो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगी। तो इस पे जो डिटेल्स हैं उनको प्रेजेंट वे में, यानी ज़्यादातर सेंटेंसेज जो हैं वो आपको प्रेजेंट टेंस में ही बनाने हैं। ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये कोई पास्ट इवेंट नहीं है जिसको हम पास्ट में लिखेंगे, तो इसलिए हम इसकी डिटेल्स जो हैं, जितने भी सेंटेंसेज हैं, वो हम प्रेजेंट में ही लिखेंगे। तो मैं एक बार ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे कि इस टॉपिक में किस तरह की डिटेल्स हमने इंक्लूड करी है। तो प्रीवियस क्लास में जैसा मैंने आपको बताया भी था कि हम इसमें 2 या 3 पैराग्राफ भी डिवाइड कर सकते हैं, और हम अलग अलग पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में हम टॉपिक का नाम, टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर हम उसको एनालिसिस कर देते हैं, उसके कारण बता देते हैं, उसके
जो कॉन्सिक्वेंसेज है, इफेक्ट है, वो बता देते हैं, और लास्ट में कोई सॉल्यूशन वगैरह अगर आप सजेस्ट कर सकते हैं तो वो बता सकते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया इसमें, चाइल्ड लेबर इन इंडिया इज़ बर्निंग प्रॉब्लम, कि चाइल्ड लेबर जो है वो इंडिया में एक बर्निंग प्रॉब्लम है, ज्वलंत प्रॉब्लम है। इट इज़ ए ह्यूमन राइट इशू फॉर द होल वर्ल्ड, कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक मानव अधिकार का मामला है, ह्यूमन राइट्स का मामला है। चाइल्ड लेबर इज़ कॉमन इन कंट्री लाइक इंडिया, कि भारत जैसे देश में चाइल्ड लेबर जो है वो एक कॉमन है, हर जगह हम देख सकते हैं कि चाइल्ड लेबर, छोटे छोटे बच्चे आपको काम करते हुए मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू स्टेटिक्स गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, कि भारतीय सरकार के द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उसके अनुसार देर आर 20 मिलियन चाइल्ड लेबर्स इन द कंट्री, कि लगभग 20 मिलियन जो बच्चे हैं या चाइल्ड लेबर है वो भारत सरकार के आंकड़ों के द्वारा हम कह सकते हैं कि भारत में लगभग 20 मिलियन बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर्स की कैटेगरी में हैं। इसका मतलब अप्रोक्स 2 करोड़ जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में काम कर रहे हैं, जो एजुकेशन से बिल्कुल डिप्राइव किए हुए हैं, जिनको कुछ विशेष फैसिलिटीज़ नहीं हैं। देन दे वर्क इन फैक्ट्रीज़, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो किस में काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ में, होटल्स में एंड स्टॉल्स पर, यानी छोटे छोटे जो स्टॉल्स हैं, शॉप्स हैं, दुकानें, उन पर। मैनी चाइल्ड लेबरर्स कैन बी सीन वर्किंग इन हैजार्डियस प्लेसेस, कि बहुत सारे बच्चों को मतलब हैजार्डियस प्लेसेस पे काम करते हुए देखा जा सकता है। हैजार्डियस मीन्स जोखिम भरे या जो खतरनाक जगह है वहाँ पर काम करते हुए फैक्ट्रीज वगैरह में देखा जा सकता है। दे वर्क इन हाई टेम्परेचर विदाउट एनी स्पेशल प्रोटेक्शन और यूनिफॉर्म कोड, ये बच्चे जो हैं वो हाई टेम्परेचर में काम करते हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी स्पेशल यूनिफॉर्म कोड के। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू टेक सम स्टेप्स टू लेसन द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर इन रिसेंट ईयर्स बाई इन्वोकिंग ए लॉ दैट मेक्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इलीगल एक्सेप्ट इन फैमिली ओन्ड एंटरप्राइजेस। तो ये जो सेंटेंस है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सिंपली समझ में आ रहा है कि द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड, कि भारतीय सरकार जो है उसने कोशिश की है या कोशिश कर चुकी है टू टेक सम स्टेप्स, कुछ कदम उठाने की, टू लेजेन द प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर की जो समस्या है उसको कम करने के लिए, लेजेन का मतलब कम करना। इन रिसेंट ईयर्स यानी हाल ही के वर्षों में, रिसेंट ईयर्स बाई इन्वोकिंग ए लॉ और एक कानून लागू करते हुए दैट मेक्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो बच्चों के रोज़गार को जो 14 ईयर्स से कम है उनको इलीगल बनाता है, यानी अगर बच्चे 14 साल से कम है और वो अगर किसी जगह पर काम करते हैं तो एक ऐसा कानून बनाया गया है कि इस तरह के जो एक्शन है वो इलीगल होंगे। तो ऐसा एक गवर्नमेंट ने नियम बनाया है केवल किसको छोड़कर, एक्सेप्ट इन फैमिली ओन्ड एंटरप्राइजेज, जो केवल घर के द्वारा या फैमिली के द्वारा जो एंटरप्राइजेज चलाई जाती है उनको छोड़कर किसी भी तरह की हजारडियस प्लेसेस पे काम करना, 14 ईयर्स से जो कम बच्चे हैं उनका काम करना वो इलीगल है, ऐसा गवर्नमेंट ने एक रूल जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है इसमें, हाउएवर दिस लॉ इज़ रेयरली अथेल्ड टू ड्यू टू प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़, कि कुछ प्रैक्टिकल कठिनाइयों के कारण ये जो नियम है उसका रेयरली यानी मुश्किल से ही अधेड़ यानी पालन किया जाता है। तो किसके कारण, प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ के कारण, यानी लोग उसको प्रैक्टिकली ले नहीं पा रहे हैं, इस वजह से इस नियम का मुश्किल से पालन किया जाता है। इन विलेजेस गाँव में दिस लॉ इज़ नॉट ओबेड प्रॉपरली, यानी गाँव में या जो रूरल एरियाज है वहाँ पर इस तरह के नियमों का प्रॉपर ढंग से नियम नहीं होता है। एज वी नो द मेजर कॉजेज ऑफ चाइल्ड लेबर्स लेबर आर पुअर फैमिली कंडीशन, लैक ऑफ एजुकेशन एंड डेप्ट ऑफ अपर क्लास पीपल हु फोर्स देम टू वर्क, कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम है या इस प्रॉब्लम के या चाइल्ड लेबर का जो मुख्य कारण है या वो कारण क्या है, पुअर फैमिली कंडीशन यानी परिवार की बुरी हालत होना, लैक ऑफ एजुकेशन शिक्षा की कमी होना, डेप्ट ऑफ अपर क्लास पीपल, और इसके अलावा जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनका कर्जा या ऋण होना, वो लोग हु फोर्स देम टू वर्क, जो उनको काम करने के लिए क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन एट अर्लियर स्टेज टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ चिल्ड्रन, इसलिए भारत सरकार जो है वो क्या कर रही है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही है शुरुआती स्टेज पर उन स्टूडेंट्स को, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन, इन बच्चों की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए सरकार उनको अर्लियर स्टेज पर बेनिफिट या शिक्षा दे रही है। थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू दिस बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर कैन बी सॉल्व, कि
शिक्षा के माध्यम से इस तरह की समस्या का या इस बर्निंग प्रॉब्लम जो है चाइल्ड लेबर की, इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ आइडियाज़ जो है वो आपको प्रेजेंट में लिखना है। फॉर्मेट जैसा आप देख पा रहे हैं कि सिंपली आपको एक पैराग्राफ की तरह लिखना है, और टाइटल डालने के बाद आप रिपोर्टर का राइटर का नाम लिखेंगे, और उसके बाद डिटेल्स को आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पैराग्राफ्स को डिवाइड किया नहीं है, क्योंकि RBSC के पैटर्न में ऐसा कोई विशेष शो नहीं किया हुआ है कि आप पैराग्राफ्स वगैरह इसको स्पेस दे करके चेंज करें। तो अगर आप चाहें तो डिटेल्स जो डिफरेंट है उनको अलग अलग पैराग्राफ में लिख सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन को पहले लिख देंगे, फिर आप उसकी जो एनालिसिस है, उसके जो टाइप्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उसको एक साथ लिख देंगे, और लास्ट में आप 2 से 3 लाइन का या 4 लाइन का एक पैराग्राफ बना करके उसमें जो स्टेप्स हैं या जो सॉल्यूशंस हैं, सजेशन है, उनको आप लिख देंगे। तो इस तरह से ये आप आर्टिकल लिखेंगे। अगर आप डिफरेंस देखें तो स्पीच में हमने इंट्रोडक्शन दिया था स्टार्टिंग की 3 से 4 लाइन में, जिसमें हम अपना इंट्रोडक्शन और जो लोग हैं उनको एड्रेस करते हैं, और लास्ट में हम स्पीच में जहां कंप्लीट करते हैं वहां थैंक यू लिखते हैं। लेकिन यहां आर्टिकल में ऐसा नहीं होता है, केवल राइटर का नाम लिखते हैं जो राइट साइड में हम लिख देंगे। तो ये टॉपिक था आर्टिकल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज आपकी हैं वो आप ग्रुप में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।